दिव्यांग शिक्षक श्रीकांत सिसोदिया प्रेरणा साथी बनकर जगा रहे हैं। शिक्षा अलख ग्राम खाकपुरा फतेहाबाद आगरा में बेसिक शिक्षा विभाग मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षण निरंतरता हेतु बनाए गए प्रेरणा साथी दिव्यांग शिक्षक श्रीकांत सिसोदिया निस्वार्थ सेवा भाव की जीती जागती मिसाल बने हुए हैं। दिव्यांग शिक्षक श्रीकांत सिसोदिया समाज सेवी द्वारा ग्राम खाकपुरा के बच्चों को निरंतर शिक्षित किया जा रहा है। उनके द्वारा इस सराहनीय सहभागिता के कारण बहुत से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। गांव के बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चे रोज रुचि पूर्वक पढ़ने जाते हैं। निरंतर बढ़ती बच्चों की संख्या उनके अच्छे कार्य का जीवंत प्रमाण है। समाज सेवा से कई वर्षों से जुड़े होने के कारण दिव्यांग श्रीकांत सिसोदिया जी सदैव अच्छे व निस्वार्थ कार्यों व समाज सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ग्रामवासी और सभी अभिभावक भी दिव्यांग शिक्षक श्रीकांत सिसोदिया जी के इस कार्य की काफी सराहना कर रहे हैं और श्रीकांत जी की दिव्यांगता उसके लिए असमर्थता का प्रतीक ना होकर उनके साहस और जज्बे की सच्ची मिसाल है। उनके अच्छे व्यवहार और निस्वार्थ सेवा कुशल शिक्षण की सभी ग्रामवासी व क्षेत्रवासी बहुत ही सराहना करते हैं। दिव्यांग शिक्षक श्रीकांत सिसोदिया समाज सेवी जी के इस जज्बे और सहभागिता के लिए प्राथमिक विद्यालय घाकपुरा के समस्त स्टाफ, प्रधानाचार्य खुशी सिंह, कृष्णा उपाध्याय, शिक्षक संकुल, मुक्ता मांदले, राकेश कुमार व धर्मवती और ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी ने भी इस कार्य की सराहना करते हुए आभार प्रकट किया। जो प्रेरणा साथी श्रीकांत द्वारा आज भाकुरा में कराया गया, इसमें बच्चों ने बखूबी एक्सपेरिमेंट पूरा किया और श्रीकांत सिसोदिया द्वारा ये एक्सपेरिमेंट करवाया गया, जिसमें मैंने भी सहयोग करवाया। बच्चों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट सब बच्चों ने अपना अपना करा और ये एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि वाकई में ही पानी ने अपना रंग बदला। और ये बच्चों से भी देखते हैं कि इन बच्चों को कैसा लगा ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कैसा लगा बच्चों? कैसा लगा? अच्छा, अच्छा, ये पानी ने कितने रंग बदले थे? तीन। कितने रंग बदले थे? तीन। पहले कौन सा रंग था? पीला। पीला। गहरा पीला। फिर बाद में लाल। और अब कैसा रंग हो गया है? पीला। वेरी गुड। कैसा हो गया? शिक्षक श्रीकांत सिसोदिया समाज सेवी, मैं इन बच्चों के सभी अभिभावकों का आभार प्रकट करता हूं, जो कि मुझ पर इतना विश्वास करते हैं और यहां पढ़ने के लिए भेजते हैं, और समस्त ग्रामवासियों का और श्री खाद्य आपूर्ति निरीक्षक महोदय श्री रमाकांत जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और मैं इन बच्चों को सेवा दे पा रहा हूं। और प्राथमिक विद्यालय घाकपुरा के समस्त स्टाफ का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे प्रेरणा साथी के तौर पर चुना और मैं निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूं, जिसमें हमें कोई किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं मिल रहा है।